मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। तंबाकू व्यापारियों पर लाइसेंस रद्द करने की मांग। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पान शॉप एसोसिएशन की ओर से DC दफ्तर के बाहर मांग की गई कि सरकार ने सभी पान शॉप के ठेले और दुकानों में सिगरेट और तंबाकू को बेचने के लिए लाइसेंस को कंपलसरी करार दिया है, लेकिन पालिका में लाइसेंस लेने के लिए कई दस्तावेजात मांगे जाते हैं। सड़कों और चौराहों पर पान के ठेले लगाने वालों के पास कोई दस्तावेज नहीं होते। सरकार इस नए नियम को रद्द करने की मांग की इन पान शॉप एसोसिएशन के पदाधिकारी और जिम्मेदारों ने। देर रात बाढ़ से मुतासिर इलाकों का जायजा लिया। CM बोम्मई ने राज्य की राजधानी बेंगलुरु में बारिश के कहर से लोगों की जिंदगी नर्क सी बन गई है। लगभग पूरा शहर ही मानो पानी में डूब चुका है। शहर के बेलंदुरु, एकोस्पेस, महादेवपुर, वर्तूरु, सरजापुर, मल्लेश्वरम, JP नगर, शिवाजी नगर के इलाकों में पानी के बीच जाकर जायजा लेते हुए पालिका अधिकारियों को दिन के 24/7 ड्यूटी करने की सूचना दी। CM ने साथ ही BBMP की ओर से हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था करके पानी में फंसे लोगों की मदद की जा रही है। जाल में फंसा चीता। तुमकुरु जिला तुरुवीकेरे तालुका बानसंद्रा गांव में पिछले कई दिनों से जंगली चीता पालतू जानवरों को शिकार बना रहा था और कई किसानों पर भी हमला करने की वारदातें सामने आई थी। इस चीते के लिए फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी मंजुनाथ की ओर से सिर्फ 24 घंटे में पकड़ने की रणनीति बनाकर इस चीते को पिंजरे में पकड़ने में कामयाब रहे अधिकारी। इस नर चीते को फॉरेस्ट अधिकारियों की ओर से नगर हले फॉरेस्ट इलाके में छोड़ने की तैयारी में है फॉरेस्ट विभाग। बिना दाखिले के पैसे सप्लाई कर रहे लोगों की गिरफ्तारी। मंगलुरु विल्सन गार्डन पुलिस की ओर से 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे शक के बुनियाद पर पूछताछ करने पर 75 लाख रुपये बिना दाखिले के ही दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया जा रहा था। इस पर पुलिस ने इनसे 75 लाख जब्त करते हुए मामले को विल्सन गार्डन पुलिस थाने में कर लिया है दर्ज। जातिवाद के जहर को हम नहीं अपनाएंगे, UT कादर। मंगलुरु उल्लाल में विधानसभा विपक्षी दल के उपाध्यक्ष UT कादर की ओर से आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के चलते हमारे कदम आज़ादी की तरफ नाम से रैली करके कांग्रेस की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया गया और BJP सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों के बीच जातिवाद का जहर फैलाना ही राज्य कि सरकार का काम बन चुका है। इस जातिवाद की सियासत को हम कभी नहीं मानेंगे का बयान दिया UT कादर ने। इनके साथ कांग्रेसी नेता मधु बंगारप्पा सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी रहे मौजूद। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे मंत्री हालप्पा आचार्य। कोप्पड़ जिला में लगातार हो रही बारिश से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जिले के तोंडियाड़ गांव में बारिश के कारण पुल पर तैनात 2 पुलिसकर्मी पानी में बह गए थे। माइनिंग मंत्री हालप्पा आचार्य ने अपने क्षेत्र का दौरा करके यहाँ पर फ्लाईओवर निर्माण की योजना को सरकार तक पहुँचाकर जनता की मदद करने का भरोसा दिया। मंत्री हालप्पा आचार्य ने पानी में बह गए 2 पुलिसकर्मियों का अब तक पता नहीं चल पाया। इन्हें इस पुल पर से जनता को न आने की सूचना देने के लिए ही तैनात किया गया था, जो बहते पानी के भाव में खुद ही बह गए। पैसों के लिए पति ने पीटा पत्नी को। बीजापुर शहर के गणेश नगर इलाके में रहे 37 साल उमा पुजारी को उनके पति शिवानंद पुजारी ने पैसे देने से इनकार करने पर मनचाहे तरीके से हमला किया है पत्नी पर। घर चलाने के लिए किराना दुकान चलाती है महिला, इन्हें चोटें आई हैं। यह घटना जलनगर पुलिस थाना इहाते में घटी है।
नियम उल्लंघन करके डीजे चलाने पर मामला दर्ज। कल देर रात गणेश विसर्जन के चलते बल्लारी में रात 10 बजे के बाद जोर आवाज में डीजे न लगाने की सूचना दी गई थी पुलिस की ओर से। पुलिस के आदेश को नकारते हुए कुछ लोगों ने डीजे लगाकर जनता को परेशान किया। इस पर बल्लारी एसपी सैयदुल अदावत ने जानकारी दी है कि बल्लारी ग्रामांतर पुलिस थाना में एक मामला, बस पेट थाने में एक, गुल बाजार पुलिस थाने में दो मामले, कुल चार लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इन पर हाईकोर्ट के नियम को उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा, कहा एसपी सैयदुल अदावत ने। हेड़वा समुदाय को एसटी में जोड़ने की मांग। बागलकोट जिला अधिकारी दफ्तर के बाहर अखिल कर्नाटका हेड़वा समाज की ओर से उनके स्वामी जी के नेतृत्व में डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया। इनकी मांग है कि हेड़वा समाज शिक्षा और आर्थिकता में काफ़ी पीछे है, समाज के अभिवृद्धि के लिए डीसी के जरिए देश के प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम देकर इन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल करने की मांग की समुदाय के लोगों ने। मणिपाल संस्था पर आईटी की रेड। बेंगलुरु में रहे मणिपाल संस्थाओं पर अचानक इनकम टैक्स अधिकारियों की ओर से छापेमारी की गई है। राज्य के मणिपाल संस्था के 20 से ज़्यादा ठिकानों पर 200 अधिकारियों ने एक साथ रेड किया है। बेंगलुरु के एयरपोर्ट रोड, कनिंग हैम रोड, यशवंतपुर सहित 20 जगहों पर रेड की गई है आईटी विभाग की ओर से। दरवेश कम्युनिटी की ओर से प्रोग्राम हमारा हक हमें दे दो। बेंगलुरु शहर के हज़रत यकीन शाह वली दरगाह में कर्नाटका सूफी दरवेश एसोसिएशन की ओर से एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें कर्नाटका भर से दरवेश कम्युनिटी के जिम्मेदारों ने हिस्सा लिया और इनके साथ जो सरकार की ओर से नाइंसाफी की जा रही है इस पर भी उलमा की ओर से चर्चा की गई। इनकी मांग है कि पूर्व सीएम दिवंगत देवराज अरसू ने राज्य में रहे सभी दरवेश कम्युनिटी के लोगों को अलेमारी समाज में जोड़कर उन्हें रिजर्वेशन दिया गया था। इसके बाद पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने इनके समुदाय की भलाई के लिए 200 करोड़ के रुपयों को रिजर्व रखा था, लेकिन आज तक किसी को भी ये मदद नहीं पहुँची। इसी के लिए इन्हें अपने अपने इलाकों में कास्ट सर्टिफिकेट देने में ऐतराज जताया जा रहा है। कर्नाटका में दरवेश कम्युनिटी के 4 लाख आबादी मौजूद है। इन्हें अपने पूर्वजों के दस्तावेज लाकर दें तभी कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का नियम है। इस पर सरकार इनकी मदद करके इंसाफ दिलाने की गुहार लगाते हुए अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते नजर आए। जिला भर से यहां पहुंचे दरवेश समुदाय के लोग। जानबूझकर बीजेपी सरकार पीएफआई कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है। एके अशरफ। मंगलुरु में पीएफआई राज्य प्रधान कार्यदर्शी एके अशरफ ने प्रेस मीट के जरिए कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार प्रवीण नेटारू के मामले में कई पीएफआई के ठिकानों पर रेड करके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की जा रही है। इन्हें इतना यकीन के साथ कैसे पता कि पीएफआई ने ही इस काम को अंजाम दिया है, बिना किसी सबूतों के ही एनआईए रेड कर रही है हमारे ठिकानों पर। प्रवीण और शिमोगा के हर्षा के मामले एनआईए को देकर बेलगाम के अरबाज समीर और मंगलुरु के फाजिल और मसूद की हत्याओं को भी एनआईए को क्यों नहीं दिया जा रहा का सवाल उठाया पीएफआई ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।